राजा के संतान है ना? हाँ भाई। तो फिर हम दोनों को आधा पेट खाकर ही रोज को सो जाना पड़ता है। तुम तो अपनी कहानियों में कहा करती हो कि राजाओं के लड़के राजभवनों में रहते हैं, उन्हें वहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलता है। हाँ, लेकिन हम उन राजाओं के संतानों के समान नहीं। सुन, हमारे और उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों बहन चंपा? आखिर हम दोनों भी तो राजा के संतान हैं। हाँ, राजा के संतान है, किंतु उस राजा के जिसने अपने देश के गौरव की रक्षा के लिए वनों को अपनाया है। तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। अभी तो मेरी बात को समझ न सकोगे सुनकर, और समझने की कोशिश भी न करो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। तुम्हारी इस बात को मैं इस वक्त समझना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो इस वक्त भूख से परेशान हो रहा हूँ। तुम तो जानती हो कि मुझे कल रोटी का एक ही टुकड़ा खाने को मिला था, अब नहीं रहा जाता। बहन चलो नदी में पानी पीकर भूख मिटा लो। नहीं सुंदर, आज मैं तुझे भरपेट भोजन कराऊंगी। भरपेट रोटियाँ खिलाओगी? क्यों तुमने रोटियाँ पाई कहाँ? रोज एक ही एक टुकड़ा रोटी तो हम लोग के हिस्से में पड़ा करती है। कहीं तुमने अपने हिस्से की रोटी तो नहीं बचा कर रख छोड़ी? तुम इसे जानकर क्या करोगे? तुम्हें रोटियां खाने से मतलब है? फिर मैं उसे चाहे जहां से लाई। लेकिन मैं रोटियों को अकेले नहीं खाऊंगा। जरा ठहरो सुंदर, मेरी फूलों की माला बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे तुम्हारे गले में डाल दूं तब? क्या हुआ सुंदर? रोमत रोमत, चल मैं तुझे भरपेट भोजन खिलाऊंगी। प्रणाम महाराज। खुश रहो बच्चों, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ बच्चों, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? हाँ महाराज, बैठिए। अच्छा, चिंता न करो महाराज, देखिए हम लोग अवश्य जीते हैं। बेटी चंपा। पिताजी, द्वार पर एक अतिथि आया है, भूखा है, खाना चाहता है। अफसोस, आज स्थिति यहां तक पहुंच गई। किंतु चिंता से क्या लाभ, जब विपत्ति के मार्ग पर पांव रखा है तब कठिनाइयों से का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे रोटियों के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे दें, तुम भूख और प्यास के ज्वाला में जलकर मेरा साथ छोड़ दो, मुझे चिंता नहीं। चिंता तो इस बात की है कि मेरी झोपड़ी में कोई अतिथि भूखा न सो जाए। तो चलिए जंगल से चलकर कुछ फल ले आए। ठीक है, चलो। पिताजी आप चिंता ना करें, अतिथि को मैं भोजन कराऊंगी। तुम भोजन कराओगी बेटी? हाँ पिताजी, मैं भोजन कराऊंगी। दो तीन दिन से मैंने अपने हिस्से की रोटियां बचाकर रखी थी। लीजिए महाराज, हम गरीबों के पास इन रूखी सूखी रोटियों के सिवा और कुछ भी नहीं है। रोटियां सूखी तो जरूर है, मगर इनमें अमृत का स्वाद है बेटे। ये आपकी महान कृपा है बाबा। मगर बेटे, क्या हम पूछ सकते हैं कि आप लोग कौन हैं और इस भयानक जंगल में इतनी मुसीबतें क्यों झेल रही हैं? बाबा, मैं महाराणा प्रताप की पुत्री हूँ। अपने देश के गौरव के लिए मुसीबतों को झेलना महाराणा प्रताप की संतानें अपना धन समझती हैं। मगर बेटे, इस तरह जंगल में मुसीबतें उठाकर, परेशानियां झेलकर तुम कैसे देश की रक्षा कर सकती हो? केवल अकबर के सामने अपना सर न झुकाकर, क्योंकि इसी में आत्मा को संतोष है और हृदय को सुख। वाह, मजा आ गया। रोटियां तो बहुत मीठी हैं बेटे,
मैंने भर पेट खाया है। अच्छा अब हम चलते हैं बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। प्रणाम बाबा। आज चंपा बेटी ने हम लोगों का मान रख लिया जी महाराज, उसकी वजह से हम लोगों की इज्जत बच गई। बेटी आप चिंता न करें, थोड़ी सी चोट है। थोड़ी सी चोट है? तेरा तो सर फट गया बेटी, खून बह रहा है। काश काश मैं अनवर की बात मानकर उससे संत कर ली होती तो आज आज ये फिर देखकर असीता हो जाती। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आप अकबर से संत कर लेंगे, कि आप कष्टों से घबरा करके अमर सुख को नष्ट कर देंगे? क्या हम लोगों ने इतनी मुसीबतें इसलिए झेली? फिर मैं क्या करूं बेटी? प्रतिज्ञा कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए पिताजी, कि आप अकबर से कभी संधि नहीं करेंगे, उसके सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाएंगे। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। आज मेरा आज मेरी साधना सफल हुई, अब दोनों को मेरा मेरा सदा के लिए नमस्कार। आप धन्य हैं महाराणा प्रताप। कौन? दिल्ली के सम्राट अकबर? नहीं, आपकी सूखी रोटियां खाने वाला आपका अतिथि।